नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के ठीक सामने हटनिया तालाब। हटनिया तालाब एक ऐसा तालाब है जहाँ की सूबे के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि DGP तक भी इस घाट पर आते हैं और जो है अर्घ देने का, जो आप कह सकते हैं छठ में एक परंपरा चला आ रहा है, उसको लेकर तैयारियां चल रही है जोर शोर से। चारों तरफ लाइटिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं, अध्यक्ष से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां इस बार इनके द्वारा किया जा रहा है और कौन कौन आने की, क्या राज्यपाल महोदय महामहिम जो है वो भी, महामहिम राज्यपाल भी अभी आते हैं। इनसे पहले जो भी राज्यपाल रहे सब हमेशा आए हैं शाम अलग में। उसके अलावा झारखंड के जो मुख्यमंत्री जो भी थे, यहाँ रघुवर दास थे वो भी आते थे, अर्जुन मुंडा थे वो भी आते थे, अभी हेमंत सोरेन है तो ये भी आएंगे। प्लस इसके अलावा कि जो आपका यहाँ का जो भी मुख्य सचिव हुए सुखदेव सिंह मुख्य सचिव, वो भी आएंगे यहाँ। DGP हुए आपका, वो भी आते हैं। सीनियर SP अगल बगल जैसे पूजा सिंगल IAS है वो आते हैं। उसका बगल मतलब बड़े अधिकारी लोग, मंत्री लोग का, मतलब इस तालाब पे सब का भी गवर्नर और सब VIP का इसी जगह आना है, यही तालाब। क्या कुछ निर्देश सफाई उफाई के लिए वो लोग अपने आते हैं, भी देखते हैं, भेजते हैं सबको कि देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तालाब पे सफाई हो रहा है कि नहीं। कितने सालों से यहाँ? हम लोग का ये 28वां साल हो गया। 28 साल से आप? 28 साल से हम लोग करा रहे हैं। क्या कुछ विशेष है क्योंकि कोरोना काल से? कोरोना काल से हम लोग तो गाइडलाइन बना के चल रहे हैं, दूरी बना के चलिएगा भाई। उसके अलावा हम लोग पूरा रख रहे हैं, फिर हेल्थ विभाग से आएगा, स्वास्थ्य विभाग से आएगा। उसके बाद है तो रानी हॉस्पिटल से भी पूरा टीम पहुंचता है यहाँ। यहाँ मतलब किसी तरह का दिक्कत मतलब नहीं होता है, सुविधाएँ हुई टोटल चीज़ यहाँ आ जाता है, एम्बुलेंस वगैरह सब रहता है, ताकि कोई भी घटना घटे। हाँ, फिर NDRF का टीम भी आते हैं तो यहाँ पर किसी चीज़ का मतलब दिक्कत होने नहीं देते हैं। इसलिए बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं भाई, तो उसमें तो कैसे दिक्कत हुए। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राजेंद्र कुमार, हम भारतीय उच्च संगठन का अध्यक्ष हुए। तो देखिए, राजेंद्र जी हैं हमारे साथ और बड़े बड़े अधिकारी आने की बात जो है यहाँ पर कहते हैं। और इस वक्त भी देखिए चारों तरफ लाइटिंग का कार्य चल रहा है, कई सारे जो है, चूँकि सामने मछली घर है और हटनिया तालाब की एक खास विशेषता है कि बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, सभी कहीं ना कहीं यहाँ पर आगमन होता है। सीनियर SP हो, DC हो या बड़े बड़े मंत्री की बात अगर की जाए तो उसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। इस वक्त भी जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सामने किस तरह से कार्य जो है अंतिम रूप में चल रहा है। महाछठ पूजा समिति की ओर से जो है यह घाटों का साफ सफाई चल रहा है इस वक्त, और लगातार जो है हर घाटों की तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार छठ की जो है तैयारियाँ जोरों शोरों से है। और देखने वाली बात होगी कि कौन कौन अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, महामहिम पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, यह भी हम आप तक जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले घाट पर और वहाँ से भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ घाटों की तैयारियाँ हैं, क्या कुछ सफाइयाँ देखी जा रही है, क्या कुछ सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है घाटों पर, यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम पहुँच चुके हैं करमटोली तालाब में। यहाँ भी चूँकि मुख्य तालाब है और शहर के बीचों बीच में है, वैसे में सूरज टोप्पो हमारे साथ मौजूद हैं। टोप्पो जी, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है, कौन कौन आते हैं मुख्य अतिथि, और सौंदर्यकरण का काम, लाइटिंग का काम चल रहा है, कितनी भीड़ कल के बाद से बढ़ेगी? देखिए, भीड़ का तो गिनती नहीं है, जनसलाबे आता है और आप देख रहे हैं कि कमेटी की तरफ से पूरे सजावट का काम चल रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि कमेटी चंदा नहीं काट के करता है पूजा इस त्यौहार को लेकर, और कमेटी के जितने भी मेंबर हैं हम लोग सब अपने पॉकेट से 10-10 हज़ार रुपये मिला के ये छठ पूजा घाट को सजाते हैं। और साथ ही दूसरे दिन के फर्स्ट रख के दूसरे दिन यह जतरा लगता है जो आदिवासी का परंपरा त्यौहार है, उसका भी तैयारी साथ ही साथ हम लोग करते हैं। दूसरे दिन फिर यहाँ मेला उला आता है और पूरे गांव के लोग, इधर उधर के लोग आते हैं, नाच डेग होता है, उसका भी तैयारी चल रहा है। वैसे मुख्य अतिथि कौन कौन है? मुख्य अतिथि हम लोग विशेष किसी को बुलाते नहीं हैं, आमंत्रित करते हैं कमेटी की तरफ से, अपने लोग अपने मन साचे आते हैं तो मंच में बैठा के उनको हम लोग स्वागत भी कर देते हैं, सम्मानित कर देते हैं, और ऐसे क्लब की तरफ से किसी को चिन्हित करके बुलाया नहीं जाता है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस साल? श्रद्धालु के लिए कल कमेटी की ओर से सैनिटाइजर, मास्क, जितना सरकार का गाइडलाइन आया है
हम लोग उस गाइडलाइन के अनुसार कमेटी पालन करेगा और जितने भी श्रद्धालु घुसेंगे सभी को सैनिटाइजर मास्क कमेटी की ओर से दिया जाएगा, उसके बाद प्रवेश किया जाएगा तालाब में। देखिए एक अच्छी पहल है कि कोरोना को देखते हुए कोरोना लोग भूल नहीं रहे हैं और आयोजन समिति की ओर से भी बार बार आग्रह किया जा रहा है श्रद्धालुओं से कि आप जो है कोरोना को भूले नहीं, मास्क सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ चूँकि इकट्ठा तो होता है क्योंकि भीड़ पर काबू कर। देखिए कमेटी तो चारों तरफ हम लोग का 150-200 लड़का है कमेटी का मेंबर और सभी गेट में खड़ा करके रखते हैं और सबसे आग्रह भी करते हैं कि तालाब के अंदर जो भर्ती है पूजा करने वाले लोग सीमित संख्या में घुसे और बाहर से लोग अपने उस पूजा को लुप्त उठाएं, ये प्रयास रहता है हम लोग का क्योंकि ये महामारी तो अभी ख़त्म हुआ नहीं जड़ से और सरकार जिस तरह से गाइडलाइन आम जनता के लिए ला रहा है वो तो जनता के हित के लिए है और हम लोग भी चाहेंगे कमेटी आग्रह भी करेंगे कि तालाब में जो सरकार गाइडलाइन दिया है उसको पालन करते हुए सबको है। अच्छा पानी में ना डूबे इसके लिए क्या कुछ? उसके लिए हम लोग सीढ़ी के बगल में ब्रैकेटिंग कर देते हैं और उस गहराई का हम लोग नापी दे देते हैं कि इतने अंदर तक जाना नहीं, इतने दूर के अंदर में पूजा करना है, आगे जाइएगा तो खतरा है, ज़्यादा दुर्घटना होती है। हाँ जी जी, उसके लिए हम लोग कमेटी के लोग भी खड़े रहते हैं कि बाईचांस कुछ हो गया तो कमेटी के लोग डेग उग के निकाल लेते हैं और नाव का अभी निगम से हम अभी जाएंगे कल और आवेदन देंगे कि नाव का व्यवस्था हो जाए या कोई गोताखोर को प्रोवाइड कर दे क्योंकि घटन तालाब है, तालाब में अब किसका क्या लिखा हुआ रहता है किस्मत में हम लोग तो नहीं जान सकते हैं मगर कोशिश कर सकते हैं कि उस आदमी को बचाया जाए। तो देखिए यहाँ के अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से आग्रह कर रहे हैं, निगम से डिमांड भी करेंगे कि जो है नाव की व्यवस्था जरूर तालाबों में की जाए चूँकि कब क्या कुछ घटनाएं घट जाएगी यह कहना मुश्किल है क्योंकि तालाबों में पानी को देख रेख के लिए और जो है पानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कौन गहराई है क्योंकि भीड़ अत्यधिक होती है और भीड़ को देखते हुए जो है निश्चित रूप से तैयारियां पुख्ता रखने की ज़रूरत होती है। और यह तस्वीर हम करमतोली तालाब की दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने हटनिया तालाब की तस्वीरें दिखाई और आगे जेल मोड़, चटरी तालाब सभी की तस्वीरें हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि छठ को लेकर काफ़ी तैयारियां तालाबों में की जाती है और वही तस्वीर हम आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्या क्या कुछ जो है तैयारियां की गई है, क्या कुछ जो है गाइडलाइन का पालन करने के लिए क्या कुछ मैसेज दिया जा रहा है, यह जो है हम आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं अगले तालाब पर, वहाँ से भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं क्या कुछ तैयारियाँ वहाँ पर है। सभी घाटों का मुआयना कर रहा है लाइव लगातार और लाइव लगातार जो है अब जेल तालाब के समीप पहुंच चुका है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं यह देख सकते हैं आप कि गंदगी कितनी ज़्यादा गंदगी है और जो विसर्जन का सामान होता है जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर विसर्जित कर देते हैं लेकिन पहले से अगर तस्वीरें बयां की जाए तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं ठीक है। सामने बिरसा मुंडा का पार्क उद्घाटन होने वाला है झारखंड के 15 नवम्बर को जो है दिवस, झारखंड दिवस पर जो है उद्घाटन होने वाला है और ठीक इसके सामने JPSC की ऑफिस है लेकिन साफ़ सफाई की अगर बात की जाए तो साफ़ सफाई और भी ज़रूरत है ज़्यादा करने की और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर विसर्जित कर चले जाते हैं लेकिन सफाई की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर चूँकि छठ का जो है आयोजन करना है यहाँ पर तो सभी घाटों की अगर बात की जाए तो हमने तस्वीरें दिखाई हटनिया तालाब की, हमने तस्वीरें दिखाई करमटोली तालाब की। हम इस वक्त जहां मौजूद है यह जेल मोड़ स्थित जेल तालाब है और आगे इससे आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे चटरी तालाब की। सभी तालाबों की तस्वीर दिखा रहे हैं, स्वच्छता की तस्वीर दिखा दे रहे हैं, व्यवस्थाएँ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएँ की जा रही है छठवर्तियों के लिए और यहाँ की अगर तस्वीरें दिखाएँ तो काफ़ी जो है कह सकते हैं आप जो है चारों तरफ और भी सफाई करने की ज़रूरत है। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे इस घाट पर पूजा अर्चना वो करेंगे अपने परिवार वालों के साथ। ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है और चूंकि छठ तो आस्था का पर्व है और वैसे में क्या कुछ आप लोगों की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है इस बार? जेल तालाब छठ पूजा समिति के द्वारा इस प्रांगण में छठ पूजा होती है और देख ही रहे आप लगभग हमारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। तालाब की जो घाट है वो साफ़ हो चुकी है, इसमें हम लोग अब ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगे के और जो भी है बाकी जो गंदगी है थोड़ा बहुत वो मतलब कल तक लगभग सारे वो साफ़ हो जाएंगे और उसके अलावा हम लोग यहाँ चारों ओर लाइटिंग का व्यवस्था होगा, फूल माला से हमारा मंच बनेगा, गेट बनेंगे, ये सब की व्यवस्था हमारे यहाँ है। श्रद्धालुओं के लिए वस्त्र चेंज करने के लिए वो अलग सा उनका वस्त्र वाला कमरा बनेगा, ये चारों ओर एक एक बनेगा वो
ये सारे व्यवस्था हमारे यहाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार रवि हुआ। आप क्या हो गए यहाँ के? हम पूजा प्रभारी हुए। तो पूजा समिति के लोग द्वारा जो है काफ़ी तैयारियां की जा रही है, ड्रेस जो कि चेंजिंग करने की ज़रूरत होती है, महिलाओं को कपड़े बदलने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसके लिए काफ़ी व्यवस्था चारों तरफ तालाब के चारों ओर जो है एक आप कह सकते हैं ड्रेसिंग रूम बनाया जा रहा है ड्रेस, ताकि वो चेंज कर सके और जो है विधिवत जो है पूजा अर्चना कर सके। सफाई भी ज़्यादा से ज़्यादा कराई जा रही है, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। हम आगे भी आपको तस्वीर दिखाते हैं चटरी तालाब की, वहाँ की क्या कुछ स्थिति है वह भी हम आपको रूबरू कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं चटरी लाइन तालाब और वहां आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि पीछे हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कुछ श्रद्धालु वो अपना घाट बना रहे हैं, क्योंकि घाट का लिए ज़्यादा मारामारी होती है सबसे पहले पहुंचने की, सबसे पहले डाला वगैरह रखने की, तो उसको लेकर जो है तैयारियां चल रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे कि आप लोग क्या यहां घाट का निर्माण कर रहे हैं अपना, कहां से हैं आप लोग? कटरू से हैं भैया। क्या नाम है? हर्ष। हर साल यहीं आते हैं? हाँ सर, यहीं आते हैं भैया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त आप लोग? खुद से सफाई कर रहे हैं? हाँ, खुद से सफाई कर रहे हैं, घाट बना रहे हैं। हाँ। और कौन कौन है साथ में आप लोगों के? साथ में फ्रेंड लोग हैं। हाँ, अगल बगल। तो देखिए सभी जो है दोस्त हैं और सभी अपना अपना जगह जो है चूँकि साफ सफाई कर रहे हैं। क्या आप भी कहाँ से आए हैं? सब कटरू ही से हैं। सब कटरू से आए हैं। मेरा नाम राहुल कुमार सोनी है। हर साल हमारा यही होता है छठ, इसलिए इस बार भी साफ सफाई कर रहे हैं। इतना दूर वहाँ तालाब कटरू में साफ नहीं है? कटरू का तालाब साफ नहीं है? यहाँ भी खुद से ही साफ कर रहे हैं आप लोग? हाँ। क्या वहाँ कटरू का तालाब उतना साफ सफाई नहीं है? नहीं है साफ सफाई कुछ भी। हर साल यही आते? हाँ, हर साल यही आते हैं हम लोग। क्या कहिएगा, जगह छेकने के लिए आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर कोई आ जाएंगे तो क्या कीजिएगा? नहीं नहीं आने देंगे, नाम उम लिख के जाएंगे अच्छे से। हाँ। हर साल छेक लेते हैं? हाँ, नहीं नहीं हर क्या साल? नाम लिख दीजिएगा, लिख देंगे अपना ही अपना नाम, सब अपना जो अपना जो साफ। हाँ। तो देखिए सब खुद से ही जो है आत्मनिर्भर बन चुके हैं और सब सफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपना नाम यहाँ लिख के जाएंगे ताकि हमारा घाट जो है पूरी तरीके से कब्जे में आ जाएगा। क्या कहिएगा, पूरा कब्जा कर लीजिएगा घाट? कब्जा नहीं करना है, छठ पूजा और सब मिल बांट के करेंगे। सब मिल के तो सफाई तो आप ही चारों कर रहे हैं मिलके? क्या दिक्कत है, कोई और भी कर लेगा तो पर्व सबका है। हर साल आप लोग आके करते हैं? जी। तो ये काम तो नगर निगम को करना चाहिए था ना? नगर निगम भी करता है लेकिन हम लोग अपना घाट साफ और सफाई ज्यादा और भी अच्छा से साफ त्योहार। देखिए नगर निगम की सफाई से जो है कह सकते हैं नगर निगम सफाई करती है लेकिन उसके ज्यादा जो है लोगों में आस्था है कि हम भी अपनी सफाई करें, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से नगर निगम की ओर से भी सफाई चलाई जा रही है और जो है गंदगियाँ जो है चूँकि आस्था का पर्व है और सबसे ज़्यादा आस्था का ख्याल रखा जाता है इस पर्व में। लेकिन जब छठ पर्व नज़दीक आता है तो जो है लोग ज़्यादा साफ सफाई में विश्वास रखते हैं और लग जाते हैं। तो आप भी यह तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चार युवक हैं और चारों जो हैं इस घाट की तालाब सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके घर के अगल बगल जो तालाब है उस तालाब में गंदगी ज़्यादा है, वहाँ जो है छठ करने लायक नहीं रहा है, इसलिए कटरू से ये लोग यहाँ पर जो आप कह सकते हैं चटरी तालाब लाइन तालाब जो है यहाँ आकर छठ करते हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। चूँकि नगर निगम भी सफाई चला रही है लेकिन नगर निगम की सफाई से संतुष्टि इनको नहीं है और खुद की सफाई में ज़्यादा विश्वास रखते हुए जो है ये सफाई चला रहे हैं। हमने सभी घाटों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं रखी जा रही है, किस तरह की साफ सफाई की जा रही है लोगों द्वारा श्रद्धालुओं द्वारा, क्योंकि एक तरफ जो है घरों में महिलाएं जो है सभी पूजा की सामग्रियां तैयार करती हैं तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुरुष और नवयुवक भी कहीं ना कहीं साफ सफाई पर खासा ख्याल रख रहे हैं और घाटों में जो है जगह छेकने की सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पर आकर जो है डाला रखने की जो है जगह बनाई जाती है तो उसको लेकर जो है यह सफाई जो है चलाई जा रही है। हम राजधानी रांची की सभी तस्वीरें सभी तालाबों की तस्वीर आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी तालाबों की यह तस्वीर जो है या जो है कहीं ना कहीं सफाई खासा ख्याल रखा जा रहा है और कोरोना को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को ख्याल रखते हुए जो है आप कह सकते हैं छठ पर्व मनाने की जो है पूरी तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो लाइव लगातार भी अपील करता है कि आप अपने जो है इर्द गिर्द में आपके जो छठ घाट है वहां साफ सफाई का खासा ख्याल रखते हुए जो है आप छठ पर्व जरूर मनाएं। हमारी ओर से भी आप सभी को, हमारे जितने भी लाइव लगातार के दर्शक हैं, आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों सारे शुभकामनाएँ। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।